जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बिहार के चंपारण जिले के रामगढ़वा क्षेत्र के गांव सिंहासनी के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान शहीद विवेक कुमार जी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव निवासी स्थान पहुंचा, जहां शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट किया गया और शहीद के पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया है। माँ भारती के लाल ने झारखंड के कोडरमा घाटी में शहादत दी है। उन्होंने आपको बता दें कि एक नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त किया है और उनके अदम्य साहस और उनकी शहादत को आज हर कोई सलाम करते हुए नजर आ रहा है। माँ भारती के लाल को कोटि कोटि नमन करते हैं। अपरा समाचार यूट्यूब चैनल आपसे बारंबार निवेदन करना चाहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। बिहार के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान विवेक कुमार सिंह जी का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचा है। सेना के विशेष वाहन में शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर पहुंचा, जहां शहीद परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वहीं स्थानीय क्षेत्रवासियों में गर्व का माहौल देखने को मिला और भारत माता के जयकारों को जोश व जुनून के साथ लगाते हुए नजर आ रहे थे। युवाओं में एक अलग ही उमंग थी, उत्साह था कि उनके क्षेत्र का लाल देश के लिए कुर्बान हुआ है और आज हर जगह उनके जिले का नाम लिया जा रहा है और उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। अपारा समाचार यूट्यूब चैनल भी उनकी शहादत को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। शहादत की सूचना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ था। आज इनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर पैतृक गांव पहुंचा है। आपको बता दें कि इनके एक 5 वर्षीय बेटा है जिसका नाम विराट वत्स है। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने मुझे कहा था कि तू शेर बेटा है और तू आईएएस अधिकारी बनना। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि शहीद का बेटा क्या कह रहा है। पापा आपके? कि मेरे पापा बोलते थे कि तू मेरा महान बेटा, तू मेरा शेर बेटा है, तुम भी कभी आईएएस बने। मुझे तुझसे गर्व है कि तू आईएएस बन के अब मेरा नाम रोशन करेगा दुनिया का।